Assalamu alaikum Gujarat, we are back with another vlog video. तो आज है जश्न आज़ादी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरी जानिब से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हालांकि हम आज़ाद तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वतन से प्यार है, तो वतन के लिए जश्न आज़ादी मुबारक हो। सिस्टम से प्यार नहीं, जो इस वतन का सिस्टम है, तो आज़ादी मुबारक हो। तो घर में आए हुए थे मेहमान, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे आके शुरुआत करता हूँ व्लॉग की। तो सुबह से मेहमान आके बैठे हुए थे, समझ तो गए होंगे कौन से मेहमान थे। तो अभी तक वो जा नहीं रहे, अभी तक बैठे हुए हैं। तो अब मैं तो जाना है ना घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ, हल्ला गुल्ला करने, जश्न आज़ादी मनाने। तो मैं निकल आया हूँ घर से उनसे रुख्सत ले के। तो मैं जाने लगा अपने दोस्तों के साथ दरिया चनाब के ऊपर, और आसपास आज़ादी फेस्टिवल हो रहा है और वहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है, तो उधर जाने लगा उसके हमारा जाने लगा। चलते हैं ठीक है। रंगों में रंगा हुआ है इस वक्त और लोग जश्न आज़ादी बिल्कुल मना रहे हैं, तो देख सकते हैं इस वक्त हर जगह आज़ादी के रंग नज़र आ रहे हैं। गुजरात में खूबसूरत 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 से खूबसूरत दोस्त पिक करना है, अभी तक रोड पे नज़र नहीं आ रहा भैया। वो आ गया, वो गली से आ गया, अब उसको पिक करते हैं। तो वो सामने आ गया, ये आए हाय तुम्हारी कैट वॉक स्मैक्सी। आज़ादी मना रहे हो ऐसे मुल्क की जो आज़ाद ही नहीं हुए 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 हो सदके में वारी। ओ बढ़ गई आज़ादी, आज़ादी का प्रोग्राम तो बढ़ गया, लड़ाई वाला प्रोग्राम शुरू। हम आज़ादी मनाने के लिए आए हैं वन एंड ऑनली गुजरात की लोकेशन, जहाँ पर घूमने फिरने के लिए आवाम आ सकती है, चनाब रिवर। तो यहाँ पर आज़ादी फेस्टिवल तो कोई नहीं, कुछ भी लोग आज़ादी मनाने आए हुए हैं। ये रैली एक आई है, रैली पे लोग ऐसे ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चिल माहौल है इधर भी। वो भी दूसरी साइड पर दरिया चनाब के चलते हैं। पर आई हुई है पिकनिक मनाने, आज़ादी मनाने आए हो, तो क्या करने आए हो इधर? उस वक्त हम दरिया चनाब के दूसरे किनारे की जानिब आ गए हैं, और मेरा दोस्त ने बड़ा अच्छा पॉइंट देखा है गुजरू वाला, पीछे गुजरू की वो बस्ती और इस तरफ दरिया चनाब का माहौल। हाय 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 मज़ा आ गया। मनोज भाई अभी आपने कुछ देखा था, प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये देखें इधर, तो
आजाद है पाकिस्तान, आजाद जिस दिन हो उस दिन दे अब ये एक पर्ची है, ठीक है, आर्मी कैंपिंग ग्राउंड पार्किंग। ये भाईजान फीस 20 रुपये होती है, आपने 50 रुपये दिए हैं आर्मी को दे दिए। क्या बात जनाब, आर्मी जिंदाबाद, क्या बात, हमें प्यार है, वो 500 भी मांगे हम देने को तैयार है। पर आर्मी कैंपिंग ग्राउंड, शहबाज शरीफ पार्क और आर्मी की पर्ची। आम जगहों पर पर्ची का रेट होता है 20 रुपये और यहाँ पर पर्ची का रेट है 50 रुपये। जनाब ये पर्ची देख के आप क्या कहना चाहेंगे? आर्मी जिंदाबाद। शहबाज शरीफ पार्क में आए हैं अभी, यहाँ पर है आज आज़ादी फेस्टिवल, जो कि गुज़िश्ता रात से स्टार्ट है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है, गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन है, GTS चौक से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं आने जाने की। तो अगर ये तो आप वीडियो देखेंगे बाद में, तो जब किसी का दिल करा तो आ जाइएगा। भाई आपने पर्ची देखी है? कौन सी? ये 50 रुपये की पर्ची है भाई। ऊपर क्या लिखा? ऊपर क्या लिखा? ऊपर मुझे पढ़ने नहीं आता भाई, खामोश पैगाम दे दिए कि पढ़ा तो बाबा जी। आप एक बात बताएं, अगर हमारे मुल्क में सफाई सुथराई हो जाए तो ये पार्क अच्छा नहीं हो जाएगा? जिस तरह का भी गंदा है, मुल्क का निज़ाम भी चेंज हो, सिस्टम सफाई रहने नहीं देती, यही तो वजह है। इतनी खूबसूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इतनी खूबसूरत जगह ये सजाई है, लेकिन आवाम ने गंदा किया है इसको। और इतना अच्छा फेस्टिवल गुजरात वालों को फेस्टिवल दिया है, तो आपको फेस्टिवल दिखाते हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं इधर। गर्मी थी इधर शदीद, तो फ़ायदा हमने भी ये सोचा है कि घर को वापस चलते हैं, बहुत शदीद गर्मी है, हबस और गर्मी एंड लेवल पे है, तो अभी घर चलते हैं और घर जाके जश्न आज़ादी मनाते हैं। अब जितनी मनानी थी मना ली, वैसे हमारी सेहत के लिए ये भी ज़्यादा ही है, तो अब जो मज़ीद है वो घर जाके मनाएंगे। तो जी उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल करना है आपने सब्सक्राइब और बेल आइकॉन करना है प्रेस, ताकि कोई भी वीडियो आए उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पीछे आवाम का जमे का फिर अब घर के जाने में रवा दवा है, तो हम भी अब घर जाने लगे हैं, तो अल्लाह निगे बांध।